कुही में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कृषि अधिकारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर परिजनों ने कुही पुलिस थाने का घेराव किया और थाने के सामने शव लेकर तहसील कृषि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मृतक कुही के प्रभाग क्रमांक 7 निवासी पंकज रविंद्र बावनकुले बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज निजी गाड़ी चलाता था। 4 दिन पहले उसकी चौपहिया वाहन की कुही के तहसील कृषि अधिकारी प्रदीप पोटदुखे की कार के साथ टक्कर हो गई थी। मृतक के पिता ने कुही पुलिस थाने में दर्ज की शिकायत के अनुसार जब से पंकज की गाड़ी की टक्कर कृषि अधिकारी की गाड़ी के साथ हुई तब से वह मानसिक तनाव में था। इस घटना के बाद से ही पंकज की गाड़ी कुही पुलिस चौकी में खड़ी थी। इसके अलावा कृषि अधिकारी पोटदुखे भी उनकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में 40,000 रुपये की मांग कर रहे थे, परंतु पंकज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने तथा कृषि अधिकारी के तकाजा से परेशान होकर उसने गुरुवार की शाम करीब 6 बजे अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता रविंद्र बावनकुले ने कृषि अधिकारी पर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कृषि अधिकारी प्रदीप पोटदुखे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को सीधे पुलिस थाने ले जाकर तहसील कृषि अधिकारी को थाने में बुलाने की मांग की और जब तक वे नहीं आते तब तक शव को वहां से नहीं हिलाने की बात पर अड़े रहे। कुही के थानेदार चंद्रकांत मद ने उस समय सोनारवाह में बंदोबस्त पर थे। संबंधित घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस स्टेशन पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास उन्होंने किया, परंतु ग्रामीणों ने पोटदुखे से चर्चा करने की शर्त रखी। ऐसे में थानेदार मदने ने कृषि अधिकारी से फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन वे उच्च स्तरीय बैठक में व्यस्त होने की जानकारी दी। इसके बाद थानेदार मदने और उपनिरीक्षक देवीदास ठमके ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, पश्चात ग्रामीणों ने थाने से शव को उठाया।